रेडी। आज हमारे साथ हैं श्री मोतीराम जी, और ये मैं कहना चाहूँगा कि मुझे कुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आते हुए कम से कम 15 साल हो गए हैं, और ये पहली बार हुआ है कि यहाँ पर जो है जून महीने में इतने ज़्यादा ग्लेशियर्स देखे जा सकते थे। पहली बार 2018 में बर्फ़ कम पड़ी है, माइट बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखा जा सकता है। मोतीराम जी, इतने सालों से आप आ रहे हैं तो यहाँ तो मुझे लगता है मई जून में काफ़ी बड़े ग्लेशियर होते हैं। बड़े ग्लेशियर इस साल तक इस साल तो ग्लेशियर कोई नहीं है, कोई नहीं। और ये भी माना जाता है कि जो ये जो पास है ये लास्ट वीक जून में खुलता था, और बर्फ में ही लोग जो है लाहौल स्पीति जाते थे। और इवन में कई बार तो ये भी हुआ कि जुलाई 15 के बाद ही जो है लोग लाहौल जाते थे, इस बार बहुत पहले लोग लाहौल चले गए। तो आप देख रहे हैं कि जो मेरे पीछे की जो धारें हैं ये सारी बर्फ़ से ढकी होती थी। पहली बार जो है ऐसा हुआ है कि इफेक्ट देखा जा सकता है कि ये वार्मिंग की वजह से पहली बार कम बर्फ़ पड़ी है। तो इस बार आप यहाँ 2 महीने तक रहेंगे? 3 महीने। और ये जैसे इनका मानना है कि पिछले काल ही इनको खास ये जो है ये जो कौन सी धार दमेली आई है, तो ये दमेल धार में जो इनको कल पिछले कल 2 ब्राउन बेयर अडल्ट ब्राउन बेयर शाम के 4 वक्त जो है 4 बजे जो है उन्होंने एक लाइफ स्टॉक को उठाया। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इशूज भी हैं, लेकिन जो है ब्राउन बेयर की अक्रेंस भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो पीछे के जो भोजपत्र है और ये जो जूनिपरा सरंगड़ है, इस ये एक आइडियल हैबिटेट है, ये एक शेल्टर का काम करता है। तो यहाँ शेल्टर डे टाइम में अगर मान लो लाइफ स्टॉक उधर जाएगा तो कभी भी कैजुअल्टी हो सकती है, क्योंकि वो इन शेल्टर से बाहर आते हैं एंड दे ड्रैग द शीप एंड गोट, और उस तरह से जो है काफ़ी कैजुअल्टी जो है और लाइफ स्टॉक का जो नुकसान है वो रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन बिकॉज दे हैव टू कंपनसेट, इन्होंने ये हैबिटेट को यूज़ करना है, इतना तो ये बियर कर लेते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट इशू हो जाते हैं। सो आज 22 जून 2018 को हम जमनोट गोट में हैं, जो कि 1 किलोमीटर दूर है डुग्गी नाला से, वहाँ पर भी लाइफ स्टॉक है, इस धार में भी लाइफ स्टॉक है। मोतीराम जी, इसके आगे भी कोई लोग हैं भेड़ बकरी वाले? हाँ, कहाँ के लोग हैं वो? वो भी ब्रह्मौर के हैं। हाँ, तो वो कुकदी के हैं। तो वो कौन सा गोट है? वो अंदरी दिमेल पर। अंदरी दिमेल, और उसके पीछे तो कोई नहीं होगा? उसके पीछे लाहौल स्पीति। हाँ, और आप इसके बाद ऊपर लिहाज से ये रेलिंग तक जाओगे? हाँ, रेलिंग से फिर वापस हो जाएंगे। तो यहाँ आप मैक्सिमम टाइम रहेंगे, और इसके परे जो है वहाँ पर भी शायद कोई लाइफ स्टॉक होगा, वो भी धार है, लेकिन ये बड़ी धार आप लोगों की है, तो ये पुश्तैनी धार है आपकी। तो इनके पास अपने ग्रेजिंग राइट्स हैं बहुत पहले से, और ये हर साल ये 3 महीने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।